हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज निकिता सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर इंग्लिश सेशन। और आज के हमारे वोकैब खजाना के सेशन में हम बात करने वाले हैं इडियम्स बेस्ड ऑन फूड। सो इससे पहले के सेशंस में हम लोगों ने देखे थे इडियम्स जो कि बेस्ड थे कलर्स पे, फिर हमने देखे थे इडियम्स बेस्ड ऑन एनिमल्स, एंड आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं इडियम्स बेस्ड ऑन फूड। सो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिनका आपको लगता है कि इंग्लिश में हाथ थोड़ा तंग है, चाहे फिर वो इंग्लिश ग्रामर हो या फिर वो आपकी वोकैबुलरी हो। सुबह 6 बजे आपको डेली बेसिस पर वीडियोस मिलती हैं एंड मैक्सिमम 10 to 15 minutes की ये वीडियोस होती हैं, यानी कि बहुत ही कम समय में आप काफी कुछ सीख सकते हो, आप अपनी वोकैब को भी इम्प्रूव कर सकते हो, और साथ ही साथ अगर ग्रामर का कोई ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में मैंने समझा रखा है, तो आप जाकर के प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो हमारी इस चैनल के ऊपर। तो अब बिना किसी देरी के हम करते हैं इस वीडियो को शुरू, और सबसे पहला जो एडियम है हमारे सामने वो है ये कूल एज क्यूकम्बर। अब सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं इस वर्ड के बारे में। आप जानते होंगे हिंदी में खीरा बोलते हैं उसको, ठीक है, सैलेड में यूज करते हैं, सैलेड वगैरह रायता वगैरह तुम लोगों ने पिया होगा, ठीक है, खाया भी होगा, लेकिन आप इंग्लिश में इसका जो हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते आए हैं वो करते आए हैं कुकुम्बर। बहुत जगह सुना है कुकुम्बर सैलेड, कुकुम्बर सैंडविच, लेकिन ये कुकुम्बर नहीं होता है, क्यूकम्बर होता है। क्या बोलेंगे हम इसको, एक बार रिपीट कीजिएगा मेरे साथ, क्यूकम्बर। सो ये है हमारा आज का जो सबसे पहला वेजिटेबल है जिसके ऊपर एक इडियम बेस्ड है। तो कूल एज क्यूकम्बर का मतलब क्या होता है, जब आप बोलते हैं किसी को कि तुम तो एकदम कुकुम्बर की तरह हो कूल, यानी कि इंग्लिश में अगर हम बोले तो यू आर कूल एज क्यूकम्बर, या फिर आप अपने आप को बोलते हो कि आई एम कूल एज क्यूकम्बर। बेसिकली आप किसी भी व्यक्ति को या खुद को जब भी कहते हो कि कूल एज क्यूकम्बर, इसका अर्थ ये होता है कि आप ये कह रहे हैं कि वो व्यक्ति बड़ा ही शांत स्वभाव का है, बहुत ही शांत है, घबरा नहीं रहा है, काम एंड कंपोज्ड। दिस इज अनदर वे टू से दैट समवन इज काम एंड कंपोज्ड। ये एक दूसरा तरीका है, एक नया तरीका है जिसके माध्यम से आप कह सकते हो किसी व्यक्ति को या किसी को कि आप बहुत ही काम है, बहुत ही शांत है, बहुत ही कंपोज्ड है। अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं इसको। द एग्जाम इज नेक्स्ट वीक एंड आई एम एज कूल एज अ क्यूकम्बर। अब ये तो सिर्फ वही बच्चा बोल सकता है जिसने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रखी हो, यानी कि एग्जाम तो मेरा अगले हफ्ते, लेकिन मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं तो बहुत ही शांत हूँ, चिल मार रहा हूँ। इसको हम अगर प्रॉपर तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, द एग्जाम इज नेक्स्ट वीक एंड आई एम एज कूल एज क्यूकम्बर, यानी कि शांत रहने को, चिल मारने को आप कह सकते हो, एकदम आप एकदम कैसे हो, एज कूल एज क्यूकम्बर, यानी कि आपको टेंशन नहीं हो रही, आपने शायद पहले से पढ़ाई कर रखी है, इस वजह से आप एकदम शांत है, आप एकदम चिल मार रहे हो, आप टेंशन नहीं ले रहे हो, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये जो मिस्टर क्यूकम्बर महाराज है एकदम ऐसे चिल होकर के खड़े हैं इसी तरीके से, ठीक है। अगर आप किसी और को बोलते हो कि यार इतनी टेंशन की घड़ी है और तुम फिर भी इतने चिल दिख रहे हो, तुम फिर भी इतने शांत दिख रहे हो, कैसे, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि सी वी आर इन अ सच अ ग्रेव सिचुएशन एंड यू आर स्टिल एज कूल एज अ क्यूकम्बर। क्या हम इतनी ही मुश्किल की और इतनी ही सीरियस सिचुएशन में फंस गए और तुम फिर भी इतने एकदम चिल हो, एकदम शांत खड़े हो, तो एज कूल एज क्यूकम्बर आप उस व्यक्ति को बोल सकते हो कि वो बहुत ही शांत व्यक्ति है। अगला हमारे पास जो इडियम आता है वो आता है बैड एप्पल। एप्पल तो आप जानते हो खाया होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, है ना, कि एक सेब अगर एक दिन खा लो तो फिर बीमारियां नहीं लगेंगी। तो अब आता है हमारा यही से जो है इडियम, दूसरा इडियम जो कि है बैड एप्पल, खराब सेब। हम बैड एप्पल कब यूज करते हैं ये जान लेते हैं। देखो जब हम ना किसी व्यक्ति को कहना चाहें कि बड़ा ही नटखट है, हमेशा शैतानियां करता रहता है, हमेशा कोई ना कोई क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, यानी कि अ ट्रबल मेकर, मच लाइक बैड एग विच इज लिस्टेड बिलो, ठीक है। अभी देखो तो ट्रबल मेकर यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा कोई ना कोई पंगा खड़ा करते, कोई प्रॉब्लम खड़ी करते, ठीक है, जो हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ता रहे, आज इस प्रॉब्लम में पड़ा, फिर थोड़ी देर बाद कोई और प्रॉब्लम, तो यानी कि ट्रबल मेकर। ट्रबल मेकर आप समझते हो ना, ट्रबल मेकर, ट्रबल यानी कि परेशानी, मेकर यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बार बार परेशानी में पड़ता रहे, परेशानियां खड़ी करते रहे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रबल मेकर। तो बैड एप्पल आप एक ऐसे व्यक्ति को कह सकते हो जो हमेशा ही परेशानियों में घिरा रहता है, हमेशा ही परेशानियां, जहां जाता है अपने पीछे पीछे परेशानियां लेकर के जाता है ना, जहां जिस काम को करना चालू करेगा वो इंसान, वहां पे वो परेशानी क्रिएट कर देगा, ट्रबल क्रिएट कर देगा, लोगों को परेशान करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, ऐसा कोई शैतान व्यक्ति है ना, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं बैड एप्पल। एग्जांपल देख लेते हैं, माइक इज अ रियल बैड एप्पल, ही ऑलवेज कॉजेस ट्रबल एट वर्क। ये कह रहे हैं कि माइक जो है वो सचमुच का क्या है, बैड एप्पल है,
हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है काम करते समय, हमेशा किसी को परेशान करता रहेगा, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई शैतानी, कभी कोई ऐसा कोई कांड कर दिया, ठीक है। तो हम तब उसको बोलेंगे क्या, माइक क्या है, बैड एप्पल है। ट्रबल मेकर को आप बोल सकते हो कि बड़ी शैतान व्यक्ति है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसकी जगह बोल सकते हो बैड एप्पल। चलो इसके बाद हम आते हैं हमारे तीसरे इडियम पर जो कि है बैड एग। अभी आपने सीखा ना बैड एप्पल, तो जैसे आपने बैड एप्पल यूज कर रहे हो आप एक ऐसे व्यक्ति को बताने के लिए कि वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशानियां खड़ी कर देता है, परेशान करता है, वैसे ही आप बैड एग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों का ही सेम मीनिंग होता है, है ना। तो देखो एक ऐसा व्यक्ति, समवन हु इज डिस्क्राइब्ड एज बैड एग, अगर आप किसी व्यक्ति को बैड एग कहते हैं इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि वो व्यक्ति जो है बहुत ही खराब व्यवहार करता है, बहुत ही झूठा है, डिसऑनेस्ट है, झूठा है, बहुत खराब व्यवहार करता है रेगुलर बेसिस पर, है ना, उसकी आदत ही ऐसी, हमेशा परेशानी खड़े करते रहना, हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहना, परेशानी खड़े करते रहना, लोगों के साथ गलत व्यवहार करना, झूठ बोलना, यानी कि एक बहुत ही आप कह सकते हो एक ऐसा व्यक्ति जिस पर भरोसा ना किया जा सकता, ठीक है, खराब व्यक्ति है, तो बैड एग हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। देखो देयर इज समथिंग नॉट राइट अबाउट जो, ही इज अ बैड एग। अब कह रहे कि मुझे कुछ तो लगता है कि जो के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, ये इंसान अच्छा नहीं है, बैड एग है, है ना। तो अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि इंसान अच्छा नहीं, तो आप उसे क्या बोलेंगे, बैड एग। अगर आपको लगता है कोई व्यक्ति जो है वो हमेशा परेशानियां खड़ा करता रहता है, आप बोलोगे बैड एप्पल, ठीक है। आप इन दोनों को एक दूसरे की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा थर्ड इडियम। इसी के साथ आते हैं हम फोर्थ इडियम पर जो कि है बिग चीज। चीज तो सभी को पसंद है। अब इससे जो हमारा इडियम निकलता है वो ये है कि अगर आप किसी को बोलते हो ही इज अ बिग चीज, ये बहुत ही बड़ी चीज है, तो हिंदी में हम बोलते हैं बहुत बड़ी चीज है, यानी कि बहुत पावरफुल बंदा है, तो बिग चीज आप कब बोल सकते हो, बिग चीज एज इन एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, बहुत ही ऐसा व्यक्ति जिस जो बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत पावर है, ठीक है, प्रभावशाली व्यक्ति। तो अब ऐसे इसको आप याद भी इसी बहुत आसानी से रख सकते हो कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, ये तो व्यक्ति बहुत बहुत पहुंची हुई चीज है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत ऊंची चीज है ना, हम ऐसे बोलते हैं हिंदी में। तो यानी कि हम किसी बहुत ताकतवर इंसान के, प्रभावशाली इंसान के बारे में बात करें, तो इंग्लिश में आप बोलिएगा बिग चीज, सिंपल। टोनी इज द बॉस ऑफ द होल सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ही इज अ बिग चीज। कह रहे हैं पूरा सेल्स और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ना ऑफिस का, उसका बॉस टोनी है, यानी कि बहुत बड़ी चीज है, वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, यानी कि बहुत पावरफुल व्यक्ति है वो, है ना, इतने बड़े डिपार्टमेंट का बॉस है इस वजह से, सो बिग चीज आप बोलेंगे। एंड लास्ट इडियम जो हमारे सामने है वो है बिगर फिश टू फ्राई। देखो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा काम है, है ना, तो आपके पास जो छोटे छोटे काम आते रहेंगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अरे यार मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास इससे बड़ा काम है करने के लिए, ठीक है, मैं अभी ये छोटे मोटे चीजें नहीं कर सकता। अगर आपके, सोचो आपका कल बोर्ड का पेपर है और आज आपके भाई बहन क्या बोल रहे हैं, आज आपकी मम्मी बोल रही है कि बेटा मेहमान आने वाले हैं, बुआ जी के लिए ये काम कर दो, बुआ जी के लिए पानी ला दो, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी मैं ये काम नहीं कर सकता हूं, मेरे पास इससे बड़ा काम है, मुझे पढ़ाई करनी है कल के एग्जाम के लिए। तो तब आप इस एडियम का इस्तेमाल कर सकते हो, बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि आपके पास ज्यादा बड़ी मछली है तलने के लिए, यानी कि आपके पास ज्यादा बड़ा टास्क है करने के लिए, आप छोटे मोटे टास्क में ध्यान नहीं दे सकते हो। देखो दिस मीन्स दैट यू हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। जब आप बोलते हो आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, यू हैव बिगर फिश टू फ्राई, जब आप कभी भी इस idiom का यूज करते हो कि बिगर फिश टू फ्राई, इसका मतलब आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है करने के लिए, ठीक है, आपके पास ज्यादा बड़ा टास्क है करने के लिए, छोटे मोटे टास्क आप नहीं कर सकते। सो देखो आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। अब कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है यार ये प्रॉब्लम हो गई, तो क्या जवाब दिया जा रहा है, यहाँ पे जो एक व्यक्ति है वो जवाब दे रहा है कि मुझे उस चीज की टेंशन नहीं है, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, यानी कि इसका अर्थ क्या निकलेगा, मुझे उस चीज की टेंशन नहीं, मेरे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए करने के लिए, तो बिगर फिश टू फ्राई का ये अर्थ होता है। तो जल्दी से हम एक बार क्या करते हैं, जल्दी से हम एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने idiom कवर किया वो ये था हमारा कूलास क्यूकम्बर। कूलास क्यूकम्बर हम उसको बोलेंगे जो व्यक्ति बहुत ही शांत स्वभाव का हो, चाहे कितनी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो बहुत ही शांत खड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ही शांत है, वो एकदम ऐसे घबरा नहीं रहा है, तो उसके उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए हम बोल सकते हैं कूलास क्यूकम्बर। अगला हमारे सामने था बैड एप्पल। हम बैड एप्पल एक ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, ट्रबल मेकर, जहां जाता है दिक्कत लेकर जाला जाता है, खुद में दिक्कत है वो अपने आप में, उस व्यक्ति को हम उसके बारे में बात करने के लिए बैड एप्पल बोलेंगे। वहीं से हमने तीसरा देखा था बैड एग। बैड एग हम एक ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे जो धोखेबाज है, जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, उसका बर्ताव लोगों के साथ बहुत ही गंदा है, बहुत ही भद्दा बर्ताव है, है ना, रेगुलर बेसिस पे, तो उस व्यक्ति को आप बोलेंगे बैड एग, ठीक है। बैड एप्पल और बैड एग आप दोनों को आपस में क्या कर सकते हो, इंटरचेंज करके यूज कर सकते हो।
अगर कोई व्यक्ति बहुत ही भद्दे व्यवहार का है, बहुत ही गंदा व्यवहार करता है, उसकी आदत ही ऐसी है हमेशा ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहना, लोगों के साथ झूठ बोलना, लोगों को परेशान करते रहना, आप उसे बैड एप्पल या बैड बैड एग कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी के साथ आता है हमारा चौथा इडियम बिग चीज। बिग चीज हम उसे ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली व्यक्ति हो ना, बड़ी चीज है यार, वो बड़ा आदमी है। तो वैसे ही बिग चीज क्या हो जाएगा कि बहुत ही बड़ा इंसान, पावरफुल इंसान, प्रभावशाली इंसान। और लास्ट हमारा idiom जो आज हमने पढ़ा वो है bigger fish to fry। जब आप कहते हो कि I have bigger fish to fry, यानी कि आपके पास ज़्यादा important चीज़ें हैं करने के लिए। bigger fish to fry का मतलब ये होता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकती, I have bigger fish to fry, इसका मतलब मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकती, मेरे पास ज़्यादा important चीज़ें हैं करने के लिए, ध्यान देने के लिए। तो ये थे आज के हमारे कुछ 5 idioms that were based on food, polar cucumber, bigger fish to fry, bad apple, bad egg, and साथ में हमारा big cheese। सो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है, ये जो सेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इन सेशंस के माध्यम से आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर रहे होंगे। सो ऐसे ही इन वीडियोस का फायदा सिर्फ खुद ना उठाएं, बल्कि अपने परिवार वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज इट विल मीन अ लॉट टू मी। आप इन वीडियोस को अगर शेयर करते हो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी है, मेरे जो इतनी मेहनत लग रही है और जो इतने एफर्ट्स लग रहे हैं, तो वो उसको क्या कहते हैं, इक्वेट कर पाएगा। सो थैंक यू सो मच सेशन के लिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।